what's up? Welcome back to another video and welcome back to my new house, my new office, my new studio. Yes, this is the first actual YouTube video that I'm shooting here. I'm not showing you the office right now. That is because the work is still in process. Abhi saari cheeze nahi hui hai, but at the same time, I had to start shooting the videos here only so that main kaam karate karate saath saath kaam karti bhi rahu. It's not feasible for me ki main kaam karane idhar aaun, lekin apni videos shoot karne ke liye wapas ghar pe jaun. So yeah, we've already started shooting the videos here. Abhi ho sakta hai kyunki saman thoda kam hai ghar mein, to ho sakta hai awaaz thodi si goonj ke aaye, but please ignore that. So yeah, for this video I'm going to be showing you guys all the new stuff that I got for this new office. This is just the Amazon haul. Main bahut jagahon se order kar rahi hu saman online bhi, and also I'm buying things physically. So abhi ke liye Amazon se jitni cheeze aa gayi hain वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ. आई एम श्योर अभी अमेजोन से और सामान आएगा, बट देन आई थिंक दीज वर इनफ नंबर ऑफ थिंग्स फॉर वन हॉल वीडियो. सो आई थॉट तब तक के लिए ये तो मैं आपको दिखाई देती हूँ इससे पहले कि चीजें आउट ऑफ स्टॉक चली जाए, तो इसलिए. सो या लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड आई विल स्टार्ट शोइंग यू गाइस व्हाट ऑल आई गॉट फ्रॉम अमेजोन फॉर माई न्यू हाउस. पहले हम थोड़ी बड़ी चीज से शुरुआत करेंगे, जो कि एक टेबल है जिसको आप लोग ब्लॉग्स में देख चुके हो. एक्चुअली इसको आए हुए डिलीवर हुए काफी टाइम हो गया है. आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने घर लिया था और मैं बोल रही थी कि काम शुरू करूंगी, उसके बाद माय मदर फेल सिक एंड आई हैड टू गो देयर एंड स्पेंड मोर देन अ मंथ देयर. इसलिए कुछ चीजें आ गई थी लेकिन वो कभी इस्तेमाल नहीं हो पाई. सो वी वर यूजिंग कपल ऑफ थिंग्स इन द ओल्ड हाउस, बट नाउ आई हैव गॉट देम हियर. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई हैड गॉट इज दिस थ्री लेग्स का टेबल, जो कि ऊपर से इस तरीके से व्हाइट है और इसकी वुडन कलर की लेग्स हैं. ये पूरा वुड का है एंड इट्स वेरी लाइट वेट. तो एडवांटेज भी है लेकिन डिसएडवांटेज ये भी है कि इसके ऊपर बहुत कोई हैवी चीज रखते हुए आप थोड़ा सा डरोगे, बट आई थिंक दैट्स फाइन क्योंकि ये जो कॉर्नर के टेबल्स होते हैं इन पे आप वैसे भी इतनी कोई भारी चीज रखने नहीं वाले होते हो. देखने में बहुत सुंदर है, बहुत प्रिटी है, और व्हाइट कलर का और ये जो कॉम्बिनेशन है वुडन कलर का कॉम्बिनेशन अच्छा है, सब बढ़िया है. लेकिन हाँ, थोड़ा हल्का सामान अगर इस पे मैं रखती हूँ तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा ठीक लगता है. सो या दिस इज द फर्स्ट थिंग एंड आई हैव मेड श्योर कि मैं इस हॉल में वही चीजें दिखाऊं जो एक्चुअली मैंने रखी हैं. देयर वर फ्यू थिंग्स जो आई लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, सो आई रिटर्न्ड देम. सो मैं वो चीजें आपको दिखाई नहीं रही हूँ इस वीडियो में. सो आई एम ओनली शोइंग यू द गुड थिंग्स दैट आई एक्चुअली केप्ट. सो या दिस वाज द फर्स्ट थिंग. ओके, मूविंग ऑन टू द सेकंड थिंग विच इज अगेन अ टेबल विच इज सो प्रिटी. ये ऊपर इस तरीके से वुडन है और ऐसे बहुत ना इसका जो कट है वो आप देख रहे हो वो बिल्कुल क्लीन कट नहीं है. दिस इज हाउ द डिजाइन इज. और इसकी जो लेग्स है नीचे वो इस तरीके की जो पिन होती है ना, पिन वाली लेग्स है और मेटल की लेग्स है. सो इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड प्रिटी लुकिंग टेबल, बट एट द सेम टाइम ये भले ही काफी अच्छा खासा भारी है, इस पे आप भारी चीज रखने की सोच भी सकते हो, बट इसका जो बैलेंस है मे बी बिकॉज ऑफ जो इसका बेस है ना यहाँ पे, इट्स थोड़ा सा राउंड, राइट? इट्स नॉट बेस वाला स्ट्रेट, सो इट्स राउंड. तो उसकी वजह से ये हल्का हल्का कभी कभी हिलता है. कुछ कुछ सामान अगर मैं इस पे रख रही हूँ या हटा रही हूँ तो आई ऑलवेज फील कि हल्का सा हिला, ऐसे हिला, ऐसे हिला. सो अगेन इस पे मैं कोई ऐसी चीज नहीं रखूंगी जो बहुत ऐसे ब्रेकेबल हो या फिर, बट इट्स सो प्रिटी लुकिंग. मेरा पर्पज जो था वो इससे पूरा सॉल्व हो रहा है. मैंने इसको फोन के लिए मंगाया था, तो जो मेरा इस घर का लैंडलाइन फोन है इस पे वो रखने का प्लान है मेरा, तो उसके लिए तो पर्पस के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है ये. बट या एनीवे आप इस पे बहुत ज्यादा बड़ी चीजें रख भी नहीं सकते क्योंकि ये बहुत छोटा है, ऐसी बस इतना हाथ जितना है, बट इट्स वेरी वेरी प्रिटी. और इसकी जो ये मेटल की पिंस जैसी जो लेग्स हैं वो भी बहुत क्लासी लगती पड़ी हुई. सो या इट्स अ रियली रियली गुड परचेज आई फील. All right, now moving on to the third thing, which are these beautiful flowers. जो ना जब डिलीवर हुए थे तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे. मैंने सोचा था नहीं 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 मैं ये ना वापस ही कर दूंगी, बट देन मैं ट्रैवल करने चली गई और ना मेरा वापस हो ही नहीं पाया. फिर आई तो मैं मेरा वो डेट निकल गया था वापस करने का, एंड आई थॉट चलो ठीक है ये वाला वास खाली पड़ा है इसके अंदर डाल के देखती हूँ, लेट्स सी. अरे वो डालने के बाद इतने खूबसूरत लगे ना, इतने प्यारे लगे, यू सी सो ब्राइट कलर्स, इतना सुंदर कॉम्बिनेशन है. ये अलग अलग है ऐसे, जैसे एक दिस इज थोड़ा सा पिंकिश रेड
और देर इज दिस पर्पल मूविश काइंड ऑफ कलर एंड देन देर इज येलो. सो ये तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर है. अब जिसे जिसमें मैंने जिस वास में मैंने इसे लगा के रखा हुआ है ना, नाउ आई डोंट वॉन्ट टू चेंज, ये पक्का उसी में रहेंगे. मैं नहीं हटाने वाली हूँ बिकॉज दे आर लुकिंग रियली प्रिटी इन दैट वास. अभी डिटेल में नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं आई एम जस्ट वेटिंग कि सब चीजें हो जाए तो मैं आप लोगों को पूरा टूर दूंगी. सो दैट्स वाई. बट या दे आर रियली गुड परचेज, थैंक गॉड मैंने वापस नहीं किए. Alright, now moving on to the next thing. अब क्योंकि flowers और vases की बात हो रही है तो I'll show you all the pots that I got. Now I have this theme in my mind for this house which will mostly be yellow, golden, wooden, red and green plants and everything. So these are 4-5 colors जो मैं इस घर के लिए plan करके रखे हुए हैं. So मैं उसी according सब चीजें मंगा रही हूँ. So the first thing that I got, like the first pot जो कि है ये, which is so cute, काफी सुंदर है. इसकी जो शेप है वो भी बड़ी सुंदर है. इसकी फिनिश मुझे बहुत अच्छी लगी, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा लगा मेरे को, सब कुछ अच्छा लगा. और मैं एक्चुअली कम एक्सपेक्ट कर रही थी, ये जो भी मैं आपको एक और भी ऐसा पॉट दिखाऊंगी, बट मैं कम एक्सपेक्ट कर रही थी अच्छा. बट ये बहुत सुंदर लग रहे हैं और रखे हुए भी जहां मैंने इनको स्टाइल किया है वो बहुत सुंदर लग रहे हैं वहां पे. और इनके अंदर मैंने क्या डाला है वो उसकी स्टोरी मैं आपको अभी बाद में बताती हूँ. सो दिस इज द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉट विच is this. Guys, this is so different, so unique. This is a brass type का. ये काफी जैसे पुराने जमाने की ऐसे सुराई टाइप की फील दे रही है, मतलब मुझे काफी विंटेज टाइप का फील दे रहा है इसका शेप. ये तो इतना खूबसूरत लगा ना, रियली रियली गुड परचेज. अगर आपको अभी भी अवेलेबल दिखे तो डेफिनेटली ले लेना, इट्स रियली गुड. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. नाउ दिस इज अनदर पॉट जो कि बाहर से इस तरीके से ऐसा जैसे शैटर्ड ग्लास, टूटा हुआ ग्लास होता है वैसा वाला इसका पैटर्न है. और अंदर से इट्स अगेन थोड़ा सा गोल्डनिश काइंड ऑफ थिंग. और ये ब्रेकेबल है, कांच का है ये, बट काफी मोटा कांच है, पतला नहीं है. सो अगर ऐसे काफी कम हाइट से ये गिरा ना तो इसको कुछ भी नहीं होने वाला है. लेकिन हाँ, अगर ज्यादा ऊपर से गिरा तो टूट जाएगा. नाउ दिस डिड नॉट कम अलोन लाइक दिस, दिस केम विद अ लॉट ऑफ फ्लावर्स. सो नाउ व्हाट आई डिड, सिंस इट केम विद अ लॉट ऑफ फ्लावर्स, मैंने जो ये बाकी के दो पॉट्स मैंने अभी आपको दिखाए हैं ना ब्रास टाइप वाले, मैंने इसके फ्लावर्स डिवाइड कर दिए इन तीनों पॉट्स के अंदर. सो आई जस्ट शो यू क्या पॉट्स आए, क्या फ्लावर्स आए. सो वन इज दिस येलो, देन अनदर वन अगेन इज दिस पिंक, and this is also pink. So ये इस तरीके से कुछ आया था और इसके एक के साथ ही आया था. सो आई थॉट कि नहीं, इतने सारों की जरूरत नहीं है वैसे भी. तो मैंने क्या किया, मैंने एक एक ऐसे निकाला और सबके अंदर डाल दिया. जैसे कि इस वाले के अंदर मैंने इसको इस तरीके से रखा. सी, इट लुक सो नाइस एंड आई डिडंट हैव टू बाय सेपरेट फ्लावर्स फॉर दीज पॉट्स ऑल्सो. और इसके अंदर मैंने इसको डाला है. सो दिस इज ऑल्सो लुकिंग नाइस एज इट इज. तो या मेरा पर्पज सॉल्व हो गया और मेरे तीनों पॉट्स का काम जो एक ही पॉट के साथ फ्लावर्स आए थे उनमें ही हो गया. सो आई सेव्ड मनी हियर. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी मूविंग ऑन टू इज दिस जूट बास्केट जो कि काफी डिफरेंट है. यूजली जूट ऐसे पूरा यू नो ये ही शेड में मिलता है, बट ये डबल कलर्ड है तो बड़ा प्यारा लग रहा है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. अभी ये थोड़ा सा ऐसे तय हो रखी है, बट इट्स अ राउंड बास्केट इस तरीके से. इसके अंदर थोड़ा सामान वामान डालूंगी ना तब थोड़ा ये शेप वापस लेगा. अभी ये थोड़ा सा ऐसे प्रेस होके बहुत वक्त से रखा था तो इसलिए ऐसा है. बट दिस इज हाउ इट लुक्स, इट्स गुड क्वालिटी, इट लुक्स नाइस. एंड ये पतला वाला ऐसे बेकार वाला स्टफ नहीं है, इट्स वेरी नाइस, इट्स एकदम स्टर्डी सा. तो ये काफी वक्त निकालेगा, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस. एंड या इट विल लुक नाइस आई थिंक. Alright, now moving on to the next thing which is the curtains. मैंने white color के खूब सारे curtains लिए हैं. Actually मैंने इससे भी ज्यादा मंगवाए थे curtains. दो तरीके के मंगवाए थे. Actually मैं IKEA से भी curtains ला चुकी हूँ, वो भी लगे हुए हैं, but I needed a lot of curtains. वो आप जब टूर देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा where all did I want to put curtains. Anyhow, so I got two kinds of curtains from Amazon. एक टाइप का मैंने बिल्कुल वापस कर दिया, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, अच्छी क्वालिटी नहीं थी एंड दे लुक्ड वेरी चीप. सो मैंने वापस कर दिए. नाउ द वंस दैट आई केप्ट आर दीज ब्यूटीफुल वाइट कर्टन्स ऑफ लिनन. नाउ लिनन इज, यू गाइस नो, कपड़ा आप पहनने वाला हो चाहे या कोई भी हो, लिनन इज अ वेरी क्लासी एंड वेरी शीक काइंड ऑफ मटीरियल. महंगा भी आता है बट ये काफी अच्छे प्राइस में मुझे मिला है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. मैंने बस यूं ही मंगवा लिए थे, मैंने कहा अच्छा ठीक है, अच्छे ही लग रहे हैं, ठीक है, वाइट ही तो चाहिए, क्या ही बुरा होगा, मंगा लिए. बट व्हेन आई ओपन्ड दीज दे लुक्ड
अमेजिंग, इतने प्यारे लगे ना, मतलब इतने क्लासी और बहुत ब्यूटीफुल लगे। और ऊपर ये सिल्वर है, ये गोल्डन होते तो मुझे बहुत अच्छा लगता क्योंकि ये बिल्कुल मैच हो जाते हैं मेरे वाइब के साथ जो मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। बट दे आर सिल्वर, बट इट्स ओके, इतना हम मैनेज कर लेंगे। बट दे आर रियली गुड कर्टन्स, सो अगर आपको वाइट कर्टन्स चाहिए तो गाइज प्लीज हैव अ लुक एट these ones. They are not very very sheer also, so they will definitely filter some light out of the window or wherever you put it. But हाँ, एकदम से dark भी नहीं करेगा. But they are really nice, they are really good. One of the most favorite things out of this haul. तो मैंने बहुत सारे order करे हैं, ये तो आप देख ही रहे हो, और एक पूरा packet और भी है, ये वाला. मुझे पता है कि मुझे कहीं ना कहीं ये लग ही जाएंगे, so I kept all of these. बाकी जो मैंने और मंगाए थे वो मैंने वापस कर दिए, तो अगर मुझे और जरूरत लगी कर्टन्स की तो मैं शायद ऑर्डर करूंगी, बट अभी के लिए मुझे लग रहा है इनमें काम मेरा हो जाएगा। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज अ टोटल यूजलेस थिंग फॉर मी, आई डोंट नो व्हाई आई ऑर्डर्ड दिस बट आई डिड, एंड देन दिस केम विद ये वाली चीज के साथ। उस टाइम पे मतलब मैंने मंगाया था एंड आई कुड नॉट रिटर्न इट, बट एक्चुअली मेरे पास ऑप्शन होता तो मैं रिटर्न कर देती, नॉट बिकॉज इट्स अगली और वट एवर, बट इट्स जस्ट वेरी यूजलेस टू मी। मैंने पता नहीं क्यों मंगा ली कैनोपी। नाउ दिस इज अ कैनोपी जो आप लोगों को पता होगा बेड के ऊपर या कहीं पे भी लोग आजकल बहुत डिजाइन करते हैं, बट दिस इज नॉट द फील ऑफ माई ऑफिस माई स्टूडियो, तो मुझे लगता नहीं यहाँ पे कहीं काम आएगा। बट नाउ आई do not have an option, maybe I'll just gift it to somebody. It looks very nice, the material is also nice, it's fine, it's nice. If you need a canopy, definitely you can go for this. अच्छी खासी है, अच्छा material है, और ऐसे बहुत गंदा plastic ही material नहीं है इसका, अच्छा net है ये, but at the same time I just feel it's of no use to me, so maybe I'll just gift it to somebody who I feel ke you know thoda isko better use mein la sakega, but otherwise it's a nice thing to buy. Moving on guys, guess kya dikhane ja rahi hu aapko, yes cushion covers dikhane ja rahi hu. So these are yellow cushion, वैसे आप देख रहे होंगे पीछे भी yellow cushion covers हैं, those are थोड़ा silk में हैं, but ये थोड़े cotton के हैं, so मैंने options ले लिए थे कुछ, but ये बहुत अच्छे लगे मुझे, बहुत सुंदर design है, yellow color का है, और इसके ऊपर ना इस तरीके से देख रहे हो white color के thread से थोड़ा सा, नहीं एम्ब्रॉयडरी नहीं है एक्चुअली, ये थोड़ा रस्सी टाइप का होता है ना एक, वो इसके ऊपर चिपकी हुई है, आई थिंक चिपकी हुई है या स्टिच हुई हुई है, बहुत बारीक सी जो रोप होती है बहुत बारीक वाली, वो इसके ऊपर लगी हुई है। दे लुक वेरी नाइस, बहुत बढ़िया लग रहे हैं, अच्छे हैं। दो का सेट है और ये 16x16 के मैंने मंगाया है, दिस इज द साइज जिसके कुशन यूजली मैं यूज करती हूँ, इससे बड़े भी नहीं और इससे छोटे भी नहीं, सो या कभी मुझे चेंज करने होंगे ऐसे, रखना मुझको येलो ही है, लेकिन अगर कभी मुझे ऐसा लगेगा कि उनको यू नो आई नीड टू गिव देम फॉर ड्राई क्लीनिंग और ये चढ़ा देती हूँ, तो फिर उसके लिए मैंने ये ऑप्शन मंगवाया हुआ है। ओके, तो अब बारी आती है उन चीज़ों की जो इस वक्त मेरे बगल में फिजिकली नहीं पड़ी हैं, वो सब अपनी अपनी जगहों पे हैं और मैं इनको नहीं लेके आ सकती हूँ। सो फर्स्ट थिंग इज दिस रेफ्रिजरेटर दैट आई गॉट फॉर द न्यू ऑफिस, ये बहुत ही सुंदर और क्लासी लग रहा है मेरे को। इसका जो कलर है ना वो काफी डिफरेंट है, ऐसे ल्यूक्स ब्राउन कलर, और सैमसंग का है ये सिंगल डोर, 198 लीटर्स का ये फ्रिज है, और इसके ऊपर ये जो ऐसे वो आप देख रहे हो ना डिजिटल बना हुआ है। यूजली फ्रिज के अंदर सिंगल डोर जो थोड़े नॉर्मल वाले फ्रिज होते हैं ना, उनके अंदर बटन होता है, खोलो तो डिफ्रॉस्ट करना है, क्या टेम्परेचर रखना है, बट इसमें ना ऐसे डिजिटल है ये टच वाला सिस्टम, तो वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने ये ले लिया। अब देखो यहाँ पे मैं पूरा दिन अगर रहूँगी ना, तो चाय पानी और कुछ खाया पिया तो रख दिया फ्रिज में, जरूरत तो पड़नी थी, सो आई ऑर्डर्ड दिस वन। ये इस वक्त 16,000 कुछ का दिखा रहा है, बट एक्चुअली मेरे को ये 14,500 का पड़ा था, बिकॉज जिस टाइम पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल टाइप का कुछ सेल लगा हुआ था मैंने उस टाइम पे इस फ्रिज को खरीदा था, बट इट्स सो प्रिटी एंड आई थिंक इट्स गुड 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 वेरी गुड परचेज, बहुत सुंदर लग रहा है। जब किचन का पूरा काम हो जाएगा तो ये और ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा, बट या this is the one. Now the next thing that I would like to show you guys is right there in front of me on my window. It's a fairy light, ऐसे stars बने हुए हैं इसके ऊपर, काफी सुंदर है और अंदर येलो कलर की लाइट्स हैं, तो दिवाली पे मैंने ये दिवाली से पहले लगा ली थी यहाँ पे, बहुत सुंदर लगी। और अगर आपको याद होगा तो जो लाइट हम उधर घर के लिए लेके आए थे ना, वो भी यही लेके आए थे एक्चुअली। कमल लाइक दीज लाइट सो मच
कि उसने बोला मेरे को इधर के लिए भी चाहिए, एंड देन आई वाज लाइक कि यार अगर ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो नहीं मिलने वाली है, इतनी जल्दी डिलीवर नहीं होगी एक दिन के अंदर, सो लेट्स जस्ट गो एंड फिजिकली ट्राई टू यू नो बाय दीज वंस, एंड देन लकीली आराम से कमल को मिल भी गई. सो कमल गॉट वन फॉर द यू नो द हाउस फॉर आर होम फिजिकली जाके, एंड वन आई गॉट फ्रॉम अमेजोन यहाँ के लिए. सो इट्स अ रियली गुड वन, बहुत अच्छी लगती है, और बाहर से जब देखो ना ऐसे घर को तो एकदम अलग से ही स्टार्स स्टार्स चमकते हैं, अच्छी लगती है ये. सो दिस इज ऑल्सो गुड परचेज. ओके नाउ नेक्स्ट थिंग इज द फ्लोटिंग शेल्फ जो ऑलरेडी घर में लग चुके हैं. तो ये फ्लोटिंग शेल्व्स हैं, जब मैं इन्हें ऑर्डर कर रही थी मैंने कहा यार बड़े महंगे हैं, फिर मैंने कहा चलो करके देखते हैं क्या पता यू नो वर्थ हो. और सही में यार जब भी मेरे हाथ में आए ना, प्रखर आया घर में, उसने भी बोला भाभी ये शेल्फ कहाँ से लिया आपने, इतने बढ़िया लग रहे हैं. उसके बाद कमल आया, कमल ने भी मुझे ये बोला जो ये घर के लिए तूने क्यों नहीं लिए, मतलब ये इतने सुंदर लग रहे हैं कि सबकी नजर जा रही है इन शेल्व्स पे. सो ये फ्लोटिंग शेल्व्स हैं. नाउ आई गॉट टू साइजेस, वन इज पैक ऑफ टू जो थोड़े बड़े वाले हैं, देन आई गॉट अ पैक ऑफ थ्री जो थोड़े छोटे साइज के हैं. बोथ आर ऑलमोस्ट वेरी वेरी लाइक सिमिलर लुकिंग, बट एक है पैक ऑफ टू एक है पैक ऑफ थ्री. जो बड़े वाले हैं दो वो मैंने अलग एक जगह पे लगा दिए, और जो तीन है तीन का सेट है वो उसमें से दो मैंने एक जगह लगाया और एक को मैंने एज अ मंदिर इस्तेमाल किया है, क्योंकि मंदिर के लिए भी मेरे को एक छोटा सा कॉर्नर चाहिए था. तो दिस वॉज द लास्ट थिंग. सो या दीज वर ऑल द थिंग्स दैट आई हैव अभी तक मेरे हाथ में जो आ चुकी हैं. बाकी जैसे जैसे आती रहेंगी मैं हॉल्स बनाती रहूंगी, एंड सारे प्रोडक्ट्स के जो लिंक्स हैं वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, आप लोग चेक कर लेना. अगर इसमें से अगर आपको कुछ भी लगता है कि हाँ यार ये तो हमारे घर में भी सेट आएगा, या फिर इसकी तो हमें भी ज़रूरत थी, या ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप लोग अपने लिए भी ऑर्डर कर सकते हो. बहुत सारे हॉल्स आने के चांसेस हैं, लेट मी नो इफ यू गाइज वुड रियली बी इंटरेस्टेड इन वॉचिंग ऑल ऑफ दीज हॉल्स और नॉट. क्योंकि अभी मैं जैसे फिजिकली भी कहीं जाती हूँ तो मैं बहुत जगहों से शॉपिंग कर रही हूँ, तो अगर आप देखना चाहोगे तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना. मैं उसी शिद्दत के साथ इतने सारे हॉल्स बनाऊंगी, बिकॉज मुझे लगता है 4-5 हॉल्स तो बन जाएंगे कंसिडरिंग द काइंड ऑफ सेटअप दैट आई एम डूइंग. सो या इफ यू लव टू वॉच प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, सो दैट मैं इसे आराम से यू नो कॉन्फिडेंटली वीडियोज बना सकूँ, हॉल वीडियोज बना सकूँ. सो लेट मी नो दैट, एंड या दिस इज इट फॉर दिस वन. आई रियली होप दैट यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू डिड लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, एंड आई विल सी यू गाइज सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइज.